नमस्कार दोस्तों, मैं भारती शाक्यवारा आप सबका स्वागत करती हूँ द इनसाइड हाउस पर। आज हम स्ट्रॉबेरी की कुल्फ़ी बनाएंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, समर सीज़न है और इस सीज़न में ठंडा ठंडा खाने में बहुत मज़ा आता है। कुल्फ़ी, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक सभी चीज़ें बहुत ही पसंद करते हैं सभी लोग, बड़े छोटे और बच्चे सभी को अच्छा लगता है। तो आज हम इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं ताकि आप अपने घर में बनाकर हेल्दी और टेस्टी टेस्टी बनाकर खाएं। फ्रेंड्स, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। हमें सबसे पहले करना है कि मिल्क लेना है। मिल्क लेंगे हम फुल क्रीम और वो भी 1 kg। आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, ज़्यादा कम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये मैंने 1 kg फुल क्रीम ले लिया है, इसको बॉयल होने दिया है और बॉयल हो चुका है। और इसके बाद ये मैंने 1 कटोरी चीनी डाल दी है। फ्रेंड्स, मीठा भी आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिए, ज़्यादा और कम जैसा भी आपको पसंद हो वैसा आप कर सकते हो। इस दूध को अच्छे से बॉयल होना है। जितना हमारी 1 kg है, इसका हमें हाफ से भी कम करना है। करीब करीब 400 ग्राम दूध हमारा रह जाना चाहिए। ये मैंने स्ट्रॉबेरी ली है। फ्रेंड्स, ये बिल्कुल एकदम फ्रेश स्ट्रॉबेरी हमने ली है और ये एक पूरा पैकेट लिया है। इतना ही काफ़ी है, करीब 250 ग्राम से ज़्यादा होंगी, 300 ग्राम होंगी स्ट्रॉबेरीज। ये इसी पैकेट में पैकिंग में आती हैं। तो ये देखिए, देखने में कितनी बढ़िया से लग रही हैं। अब हम इनके ये जो इनके पत्तियां हैं इनको निकाल देंगे। स्ट्रॉबेरी बहुत ही हेल्दी होती है फ्रेंड, और ये समर सीज़न में ही आती हैं ख़ास तौर से, और इनके अंदर विटामिन सी भरपूर मात्रा में होती हैं और इससे वेट लॉस भी होता है। फ्रेंड्स, तो इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर पाई जाती हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही हेल्दी होती हैं। फ्रेंड्स, हमने इनके डंठल निकाल लिए हैं। अब इनको हम कट कर लेंगे फ्रेंड, छोटे छोटे पीसेस में, ताकि हम इन्हें फिर ग्राइंड करेंगे तो आराम से हमारे ये ग्राइंड हो जाएंगे। फ्रेंड्स, इसलिए छोटे छोटे पीस काट लिए हैं। ये देखिए, सारे के सारे मैंने काट के रख लिया है। ये देखिए, अब अपने दूध को देख लेते हैं। ये देखिए, दूध हमारा काफ़ी कम हो गया है, काफ़ी सारा जल गया है ये। और अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और फिर इसे ठंडा होने देंगे। फ्रेंड्स, काफ़ी देर हो गई हमारे दूध को रखे हुए, ये देखिए। और ये इसका कलर भी चेंज हो गया है ठंडा होने के बाद। देखिए, मलाई मलाई एकदम गाढ़ा सा दिख रहा है हमारा, और मलाई मलाई दिख रही है हमारे दूध में। हम मिक्सी जार ले लेंगे एक फ्रेंड्स, और इसके अंदर ये सारा दूध ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स, बहुत ही आसान सी रेसिपी है फ्रेंड्स कुल्फ़ी बनाने की, स्ट्रॉबेरी कुल्फ़ी बनाने की। और जो हमने स्ट्रॉबेरी काट के रखी हुई थी वो सारे के सारे हमने इसमें डाल दिए हैं मिक्सी जार में। फ्रेंड्स, अब इसका हम ढक्कन लगा देंगे और इसका एक स्मूथ सा पेस्ट रेडी करेंगे। फ्रेंड्स, ग्राइंड कर लेंगे इसे हम। अब ये देखिए, ग्राइंड कर लिया है मैंने और कितना बढ़िया लग रहा है ये हमारा देखने में। हल्का सा पिंक कलर आया है हमारे इस कुल्फी के बैटर में। अब इसको दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, कितना स्मूथ एकदम से रेडी हुआ है ये। अब इसको हम अपने आइस मेकर में डाल देंगे। फ्रेंड्स, ये मेरा आइसक्रीम मेकर है, इसमें 8 आइसक्रीम हमारी कुल्फी जम जाएंगी। तो इसके अंदर एक एक करके हम डाल देते हैं सारा का सारा। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। फ्रेंड्स, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव सभी को। ये देखिए, मैंने आइस मोड में सारे के सारे ये बैटर डाल लिया है हमारा, और इसके मैंने ये कैप भी लगा दिए हैं। फ्रेंड्स, अब इसको हम कम से कम 8 घंटे के लिए फ्रीजर के अंदर लगा देंगे। ओके फ्रेंड्स, ये देखिए 8 घंटे हो चुके हैं और मैंने इसको फ्रीजर से निकाल लिया है। मैं आपका आइसक्रीम निकाल के दिखाती हूँ, सॉरी कुल्फी निकाल के दिखाती हूँ। कितनी बढ़िया से हमारी ये कुल्फी रेडी हुई है, ये देखिए, देखने में भी एकदम बढ़िया लग रही है। और कितने आराम से और आसानी से हमारी ये कुल्फी निकल गई है इसके अंदर से। अब ये हमारी कुल्फी रेडी है सर्व करने के लिए। फ्रेंड्स, ठंडी ठंडी इस कुल्फी को आप लोग इन्जॉय कीजिए। देखा ना आप सबने कितना आसान है स्ट्रॉबेरी की कुल्फी बनाना। फ्रेंड्स, तो इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों की वीडियो कैसी लगी। फ्रेंड्स, चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।